देखो डांस, देखिए डांस, देखिए डांस, गजब यार। फ्रेंड इतना हम इतना सामान लेकर आ गए हैं, सो मैं इसमें जमा रही हूँ और हस्बैंड लगा रहे झाड़ू। ये देखिए ये सब पुटरियाँ हमने रात को बांध के रखी थी, ये भी बांध के रखी थी। थोड़ा सा सामान लेकर आए हम, और हमारा ये सोफ़ा, ये न्यू वाला सोफ़ा, और ये टेबल हमारी, इस पर ये बिछा देते हैं। बड़ा है क्या ये, ज़्यादा? हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू वाले घर पर, तो मैं अलमीरा में जमा रही हूँ अपनी साड़ियाँ। मेरी साड़ी सबसे ज़्यादा है, तो मेरे बेटे ने ये बड़े बड़े खन बनवाए हैं अभी अलमारी में, तो मेरी साड़ियाँ अच्छे से आ जाएंगी इसमें। फिर भी वे मतलब कम पड़ेंगी, तो मैं हस्बैंड वाली अलमारी में रख लूँगी बाजू में। काफ़ी लंबी बनवाई है अलमारी, और ऊपर आप जो देख रहे हैं वो कोट और साड़ियाँ टांगने के लिए है। तो कुछ मैं हैंगल में टांग दूंगी साड़ियाँ, कुछ ऐसे ही रख दूंगी, तो काफ़ी साड़ियाँ आ जाएंगी इसमें। अभी हम लोगों की जो अलमारी थी उसमें हम लोगों को इतनी दिक्कत होती थी, लोहे वाली अलमारी थी तो बिल्कुल ठूस ठूस के हमने उसमें भर के रखा था। और एक हमारी जो अलमारी थी उसमें पूरे बेटी के ही कपड़े आते हैं, जो नीचे मैंने दिखाई है आपको अलमारी, तो उसमें पूरे उसी के कपड़े थे। हम लोगों का यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मेरे बेटे के और हस्बैंड के कपड़े जो हैं काफ़ी कम है, मेरे और मेरी बेटी के काफ़ी कपड़े हैं। लेडीज़ लोगों के काफ़ी कपड़े रहते हैं, जेंट्स लोगों के तो बेचारों के कम रहते हैं। और देखिए आप, साड़ी निकलती ही चली जा रही है, और अभी इससे ज़्यादा तो घर पे रखी हुई है साड़ी। दो सूटकेस भर के रखी हुई है, और एक वाला अलमीरा का जो खन है वो भरा हुआ है, और जो पेटीकोट वगैरह रहते हैं वो भी बहुत सारे हैं, सूट्स हैं, मतलब काफ़ी कपड़े हैं मेरे पास। और मैंने सोचा चलो जमाई देती हूँ ये कपड़े, क्योंकि थोड़े थोड़े लेकर आएंगे, थोड़े थोड़े जमाएंगे, एकदम से फिर थक भी जाते हैं और बहुत थकावट होती, फिर मन भी नहीं लगता काम करने में। इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सो जाऊँ, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाते लगाते ही काफ़ी टाइम हो जाता है। जब हम बड़ा घर लेते हैं तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि साफ़ सफाई सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। छोटा घर रहता है तो आप कैसे भी करके करवा भी लेते हो, कर भी सकते हो, बट बड़े घर में बहुत दिक्कत आती है। मुझे पूरा 1.5-2 घंटे पोछा लगाने में लग जाता, झाड़ू लगाने में, मतलब दोनों मिला के, तो काफ़ी काम रहता। अब देखती हूँ भाई, यहाँ पर यदि भाई रखूँगी तो रख लूँगी, नहीं तो देखती हूँ मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि काम मतलब ये है कि हम करते रहते तो स्वस्थ बने रहते ज्यादा। ये पूरा जमा दिए ऐसे करके पूरा, तुम्हारा बस चले तो तुम बस बैठे रहो, है ना काम। वाओ, एक नंबर। ये है हमारे मनोहर की मिठाई, और बहुत टेस्टी वाली है, नई ब्रांड है ये, बहुत अच्छी लग रही है खाने में, तो मनोहर की बात ही अलग है। ये देखिए फ्रेंड, हम लोगों की तैयारी हो गई है, और ये सूटकेस किसका रखा है भर के कपड़े, ये भी है ना, तैयारी हो गई इनकी। और ये हमारी टीवी है, देखो टीवी तो हमने कब से रखी हुई है, 10 बार बता चुकी हूँ। अब ये पोर्शन हमारा खाली हो चुका है, और ये देखिए बस एक सोफ़ा ये बचा है, चाहे हम लोग बैठे हैं। अब हम लोगों को दोनों को लड़ाकू लड़ाकू को एक ही पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि अब तो है ना हम लोग लड़ भी नहीं सकते एक ही सोफे पे बैठ के, है ना। इसको क्या समझाओ, मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे से लेके अभी 11 बजने वाला है, मोबाइल इनका बंद नहीं होता, मोबाइल ऑल टाइम चलता है। और ये है ना, ये खोपड़ी दुखने लगती मेरी, तो सर दुखने लगता भैया, पर पता नहीं कितना कितना मोबाइल चला लेते हैं ये। मतलब अभी हमारा बहुत सामान बचा, अभी थोड़ा सा, आज मंडे था तो हमने सोचा चलो लेकर चले जाते थोड़ा सा सामान, क्योंकि आज अच्छा दिन भी था इसलिए हमने ले गए, क्योंकि बेटे की छुट्टी रहेगी उस दिन हम सारा सामान ले जाएंगे। अभी लगा दिया, अच्छा ठीक है, कर लूँगी। हाँ ठीक है, पापा कुछ नहीं कहेंगे, मैं पापा बोलेंगे मैं तो ठीक हूँ,
चलिए फ्रेंड देखो डांस हो रहा, डांस हो रहा ये देखो डांस हो रहा, डांस देखो डांस, देखिए डांस, देखिए डांस, गजब यार डांस भी दिखा पापा का। अरे थोड़ा बंद तो करने दो यार, वो लगाना पड़ेगी अगरबत्ती अभी हमको। तो चलिए फ्रेंड वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बोल रहा है क्या? पानी कहाँ पे? ऊपर भरा होगा ना, अभी पानी भरा था पापा का। तो कल की बोतल रखी होगी ना? अरे ये तो अपन वहाँ ले जाते हैं, अभी तो ले जाएंगे। ठीक है ले जाओ जाओ।